उज़बल शिम हेलो हैलो वियर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेली रूटीन सेल्फ हेल्प एंड वील सी इन इट मैनी थिंग्स दोज आर वेरी हेल्पफुल लाइक के किस तरह से चीज़ों को हमने इस्टेब्लिश करना है लाइक like, गारबेज uh, है उसको किस तरह से प्रॉपर uh, जगह पर फेंकना है और इसमें जो कंटेनर है ट्रैश आउट करने के लिए वो कहाँ पे मौजूद है उसके बारे में आ गई उसका बाकायदा इस्तेमाल करना हमें बच्चों को सिखाना है और बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं लेकिन दीज आर वेरी नेसेसरी फ़ॉर द डेली लाइफ एंड फॉर द डेली रूटीन उसमें हम अगर देखें तो बेड को सेट करना उसको वो खुद उसको ठीक करे उसमें उसकी शीट को ठीक करे उसमें पिलो को अपनी प्रॉपर जगह पर रखे यानी इस्तेमाल के बाद उसको मैनेज करना ये हम अगर सिखा देंगे तो वो अपने आप को ठीक डायरेक्शन में कर सकेगा और इसके साथ साथ ये है कि वो अपने ड्रेस को यानी अपनी शर्ट को ठीक पहनना बटन अप करना उसको प्रेस करना और फिर यह कि सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन ड्रेस कॉम्बिनेशन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो किस तरह से कलर्स को मैच करता है या फिर यह है कि कंट्रास्ट किस तरह से चीज़ों को देखता है और नई पुरानी चीज़ों का भी वो कंट्रास्ट किस तरह से देख रहा है शर्ट नहीं है तो बाकी बाकी लवाजमात भी उसके साथ उसी लेवल के वो सिलेक्ट करें इसी तरह जब वो लिबास को इस्तेमाल कर ले और उसके बाद हम चेंज देखना चाहते हैं या वो चेंज करना चाहे तो फिर उसको किस तरह से कि जो डर्टी ड्रेसेस हैं उस पर को कहाँ पर रखना है कैसे बाजुकात बच्चे उसको वैसे ही फेंक देते हैं फर्श पे फेंक देते हैं वो और ज़्यादा यानी मैले हो जाते हैं या उसमें दाग ऐसे लग जाते हैं तो हमें उनको डायरेक्शन ये देनी है कि वो उसको एक प्रॉपर जो बास्केट है या प्रॉपर एक कॉर्नर है या किसी तरह से वो उसको मैनेज करके और ऐसी जगह पे रखें कि वो मजीद ख़राब ना हो और इसी तरह वो अपनी जो उनकी वो शेल्फ्स हैं या उनके जो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो जगह हैं वो मखसूस कर दें और उनके अपने लेवल पे हों बड़ों के साथ अगर वो शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी एक कंपोनेंट उनका अलग से हम डिक्लेयर करते थे और उसमें ये भी है कि वो अपने टायर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी बुक्स को किस तरह से रख रहे हैं और टायर्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं किस जगह पे उसको रख रहे हैं बुक्स को किस तरह से रख रहे हैं नोटबुक किस तरह से वो सेलेक्ट कर रहे हैं अपना बैग कहाँ पे रख रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उनको सिखा देते हैं और इसी तरह वो मुख्तलिफ तरह की जो पज़ल्स हैं उनके जो कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें ब्लॉक्स यूज़ होते हैं तो वो खेलने के बाद उसको अपनी प्रॉपर जगह पे किस तरह से रखते हैं बैट है बॉल है और बाक़ी जो रैकेट्स हैं नेट है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर यानी एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको काबिल इस्तेमाल बनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो रूटीन का हिस्सा बन सके और वो रूटीन जो है ख़ूबसूरती के साथ आगे बढ़े इसमें हम आ, ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने आ, बाकी जो मैटर्स हैं उनको किस मैनर से आ, उसको मैनेज करता है वो किस तरह से फर्द उसको ठीक तरीके से कर सकता है और आ, इसमें आ, मतलब बेड के ऊपर जो चीज़ें हैं ब्लैंकेट किस तरह से रखना है और इसी तरह से जो बाकी जो उसके अगर घर में कोई ऐसे पैट्स हैं तो उनके साथ उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से है और पेट है तो उसका अपना अलग से एक कॉर्नर और उसकी खाने की चीज़ें एक अलग से और उसको अपने पास बिठाना है तो फिर उसके लिए फिर वो भी मैनर्ड होना चाहिए तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सेल्फ़ हेल्प में हम उसकी मदद मतलब कर सकते हैं और ये डेली रूटीन की बातें और बच्चों की रूटीन के अंदर इसको ले आना और उसको इफेक्टिवली करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू Thank you very much.